यूपी का रामपुर जेल, जिसके अंदर सलाखों में बंद शबनम कर रही है अपनी मौत का इंतजार। शबनम, यह ऐसा नाम है जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर वो कैसी बेरहम औरत होगी जिसने अपने ही परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और ये था बावनखेड़ी हत्याकांड, घटना थी 2008 की। अब किसी भी रोज शबनम को फांसी के फंदे पर लटकाया जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति ने उसकी दया याचिका खारिज कर दी है। अब बस देरी है डेथ वारंट की। एक बार डेथ वारंट निकला तो फिर उसे मथुरा ले जाया जाएगा, क्योंकि महिला कैदियों को फांसी देने का प्रावधान मथुरा जेल में ही है। नहीं, हमारे पास डेथ वारंट अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इसकी दया याचिका राष्ट्रपति महोदय के यहाँ से खारिज हो चुकी है। उसके बाद एक रिव्यू पिटीशन भी इस संबंध में इसने दाखिल की थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो वो भी निस्तारित हो गई है, खारिज हो चुकी है। इसके बाद हमने कंसर्निंग कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज अमरोहा के यहाँ से इसका डेथ वारंट प्राप्त करने का अनुरोध किया है। जैसे ही वो प्राप्त हो जाएगा हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे डिस्ट्रिक्ट जेल मथुरा के लिए, क्योंकि इसका फांसी का एग्जीक्यूशन जो है महिलाओं के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल मथुरा डिसाइड करती है। और आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में शबनम पहली महिला होगी जिसे फांसी की सज़ा दी जाएगी। असल में शबनम को अपराध के रास्ते पर ले आया था उसका प्रेम। अमरोहा के बावनखेड़ी गांव की रहने वाली शबनम को सलीम नाम के लड़के से मोहब्बत थी, लेकिन दोनों की शादी के रास्ते में रोड़ा बन रहे थे उसके परिवार के लोग। ऐसे में गुस्से से भरी शबनम ने भयानक रास्ता अख्तियार किया और 2008 की 14 अप्रैल की रात अपने ही परिवार के 7 लोगों का कत्ल कर दिया। ये घटना 14 अप्रैल 2008 की थी रात की। इसमें क्या हुआ था कि शबनम के सलीम से संबंध थे और ये इसने रात को उसे बुलाया घर पे, और बुला के उसने जो है चाय में कुछ मिला के दिया और बाकी सब उसने कुल्हाड़ी से उनकी हत्या कर दी। ऐसा नहीं है कि मौत के दिन गिन रही शबनम को अपने अपराध का कोई पछतावा हो। नहीं, इस तरह की भी कभी बात नहीं आई है। कोई प्रायश्चित या पश्चाताप करने जैसी कोई बात भी कभी संज्ञान में नहीं आई है इसकी। हालांकि रामपुर जेल में वो रंगोली बना रही है, लेकिन मन उसका अब भी कोमल नहीं हुआ है। अब प्रशासन को इंतजार है डेथ वारंट का। बस वारंट आएगा और शबनम की जिंदगी के दिन पूरे हो जाएंगे। तमकीन फयाज की रिपोर्ट, रामपुर।